हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट रिव्यूज ऑन व्हील। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टाटा नैनो के बारे में। टाटा नैनो का अपडेट आने वाला है गाइस। क्या होगा ये अपडेट, आइए देखते हैं इस वीडियो में। गाइस, टाटा नैनो बहुत दिन पहले आया करती थी। टाटा मोटर्स का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। रतन टाटा सर ने एक बार एक कपल को जाते हुए देखा था स्कूटर से, उनके साथ बच्चे थे, और वो उस टाइम उनके मन में यही ख्याल आ गया कि अगर वो गिर जाएंगे तो उनको कितनी चोट आएगी। तो उन्होंने लाख रुपए में गाड़ी लॉन्च की थी टाटा नैनो। हालांकि उतनी सक्सेस नहीं हुई थी जितना रतन टाटा सर ने सोचा था, मगर गाइस रतन टाटा सर ने इसे दोबारा लॉन्च करने के बारे में सोचा है। इस बार इसे ईवी एंड पेट्रोल दो मॉडल में लॉन्च किया जाएगा। ये इंडिया की सबसे सस्ती ईवी होने वाली है टाटा नैनो। अब आप गाइस देखने वाले हैं कि टाटा नैनो कितनी पावर पिकअप एंड टॉर्क जनरेट कर पाएगी, कितने केवीएच का इसमें मोटर मिलेगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। मगर गाइज, सबसे बड़ी बात है कि टाटा मोटर्स अपने ईवीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट है, और वो चाहती है कि 2025 तक इंडिया में टोटल ईवी गाड़ी हो जाए। क्या बाकी सारी कंपनियों का जिम्मेदारी नहीं बनता कि इंडिया में ईवी लाया जाए? क्या ईवी लाने की जिम्मेदारी सिर्फ टाटा मोटर्स ने लेके रखी है? ईवी के प्रति टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा झुकाव रख रहा है, मगर देखने वाली ये बात है कि क्या ये ईवीज़ रिलायबल हैं आगे चल के। क्योंकि हाल फिलहाल के बहुत सारे वीडियोस में हमने देखा है कि ओला एंड बहुत सारे स्कूटर्स में आग लगी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में। इन गर्मी के मौसम में इन बैटरीज को कैसे ठंडा रखा जाए, इन सब की के ऊपर काम करना चाहिए। और ख़ास करके सरकार को इस बात पर ध्यान देनी चाहिए कि हर जगह चार्जिंग स्टेशन हो, हर पेट्रोल पम्प के साथ एक चार्जिंग स्टेशन भी देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उन चार्जिंग स्टेशन को सोलर पावर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगा चार्जिंग वगैरह में। ईवी और भी सस्ती हो जाएंगी। टैक्स वगैरह भी थोड़ा कम कर दीजिए ईवीज पे। पूरे इंडिया में ईवीज के ऊपर सब्सिडी दे दीजिए। खैर, बढ़ते हैं नैनो की तरफ। तो नैनो गाइज एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है सस्ती ईवी बायर्स के लिए। ये हमें 3 से 4 लाख के बजट में ईवी में देखने को मिलेगी, और 2 से 4 लाख के बजट में पेट्रोल में देखने को मिलेगी। गाइज, आपका क्या सोचना है इस टाटा मोटर्स की सस्ती ईवी के बारे में? और हाँ गाइज, इसमें सबसे बड़ी बात, एक पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी जो हैरियर टाइप के गाड़ियों में मिलती है। वही सेम पैनोरामिक सनरूफ हमें टाटा नैनो में भी देखने को मिलेगी, और आगे चल के टाटा मोटर्स की जितनी ईवी आने वाली है उन सभी में भी धीरे धीरे करके टाटा इसे फिट करेगी। गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो और टाटा नैनो, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले।